ओम शांति। 1 अक्टूबर 2020 के बाबा के साकार महावाक्य आज की मुरली से 7 मुख्य पॉइंट्स। सर्व गुणों के सागर बाबा बोले, तुम्हें देवता बनना है इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप हैं। दूसरा पॉइंट, एवर पूज्य बाबा कहते, पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं ज्ञान बेगर। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सम्मुख में है उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। तीसरा पॉइंट, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए, चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। चौथा पॉइंट, ज्ञान सूर्य बाबा कहते, जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हो ना, सुप्रीम फादर। पांचवा पॉइंट, ऑलमाइटी बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। छठा पॉइंट, अव्यक्त बाप दादा बोले, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। सातवां पॉइंट, मीठे बाबा समझाते, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति। अब मुरली सविस्तार। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप हैं। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वे यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में, है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। ये एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं, उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हैं, अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा,
इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिकर, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से ही विकर्म विनाश होंगे। गीता में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया तो फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा ही अविनाशी है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है, कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारें खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप हैं। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, मेरा तो आप एक, दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वे तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं, ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना। वह है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वह है सबसे ऊंच ते ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी हैं तो पाठ में जरूर आना पड़े। सत्युग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है, नेशनल बर्ड कहते हैं। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण उनके माथे में लगाते हैं, कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो, वहाँ विकार होते नहीं। बाप कहते हैं, तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वाले की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहें, ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों को कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने को अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो,
व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं, व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस की फिक्स पे होती है, इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है, कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहार उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़ें फिर क्या, पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है, घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती हैं, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम, तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो हैं ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है, पहले स्त्री प्यारी लगती फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है, तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो, बाप ही तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब हैं भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है फिर वृद्धि होती है, आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है, आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहाँ हैं आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था फिर कहाँ गया, ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है, गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है, आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल पीले हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते, अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा, जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है, कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं, इसमें ही तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए, तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, पोता मेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं, बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंधा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था, बच्चों को ही समझाएंगे, और क्या जाने, तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंधा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता, हाँ बाकी सब में मुक्ति मिलती है, तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे फिर पिछाड़ी में आएंगे, मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं,
वे फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए, तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो। जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़े ही मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो बहुत फर्क रहता है, आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर व शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना, आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएंगे, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति।